हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबका जीटेक पंकज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो शॉर्ट्स वीडियो है यूट्यूब उसको कितना प्रमोट कर रहा है, और दोस्तों अब तो शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए आपको रुपए भी मिल रहा है अगर आपके बहुत ज्यादा वायरल होते हैं शॉर्ट्स वीडियो। तो दोस्तों अगर आपके चैनल नया है और आप शॉर्ट्स वीडियो उसमें डालते हैं, व्यूज भी आपके काफी अच्छे से उसमें आ जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अपने शॉर्ट्स वीडियो से अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं और व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए जब आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो में आपको लगानी होगी एंड स्क्रीन और आई कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एंड स्क्रीन और आई कार्ड अगर आप शॉर्ट्स वीडियो में लगाते हैं, वहां से दोस्तों आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे और व्यूज भी आएंगे आपके दूसरे वीडियो में। क्योंकि दोस्तों अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो कोई पूरा देखता है, एंड स्क्रीन वहां पर आती है, तो दूसरा वीडियो भी आपका देखना चाहेगा अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो को पसंद आता है। तो एंड स्क्रीन पर आप वीडियो लगा सकते हैं कोई सा भी, चाहे आपका जो रेगुलरली जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप लगा सकते हैं वहां पर। दोस्तों आपके चैनल पर जाएगा और अगर उसको वीडियो पसंद आता है आपके बाकी जो वीडियो है चैनल के, तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकता है। दोस्तों इस तरीके से आपके व्यूज भी आएंगे और साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। और आई कार्ड से भी सेम दोस्तों यही होता है, आई कार्ड जो ऊपर से आएगा तो वहां जाके भी दोस्तों आपकी वीडियो को देख सकता है। और दोस्तों अगर वहां इसको वीडियो पसंद आ रहा है आपके चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी करेगा और व्यूज भी आपके आ जाएंगे, जिससे अगर आपका चैनल नया है तो 1000 सब्सक्राइबर का आपका जो क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा हो जाएगा और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो भी वहां से पूरा हो सकता है। तो किस तरीके से दोस्तों आपको शॉर्ट्स वीडियो में आई कार्ड लगाना है और एंड स्क्रीन लगाना है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आप क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों अगर आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, तो सबसे पहले आप 3 डॉट पे चले जाइए, वहां पे उसको डेस्कटॉप साइड में क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करके उस पर चले जाइए। तो सेम यही प्रोसेस करना है, हम दूसरे ब्राउजर में इसको ओपन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए YouTube स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। आपको सेकंड जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे कंटेंट, उस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जैसे शॉर्ट्स वीडियो में आपको एंड स्क्रीन और आई कार्ड लगाने हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी ये शॉर्ट्स वीडियो है यहाँ पर, और हमने इस पर लगाना है एंड स्क्रीन और आई कार्ड। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और पेंसिल के साइन पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से दोस्तों आप टाइटल इसका बदल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं बदलकर, हैशटैग लगा सकते हैं, साथ ही टैग भी इस पे लगा सकते हैं और थंबनेल भी यहाँ पर इसका आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप साइड में आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एंड स्क्रीन और आई कार्ड दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाना सीखेंगे एंड स्क्रीन, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा जब आपको एंड स्क्रीन लगानी होगी। अब दोस्तों देखिए हमको सबसे पहले जाना होगा एलिमेंट में, तो ऊपर आपको एलिमेंट दिख रहा है, उसके आपके प्लस का साइन भी दिख रहा होगा, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आप वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइबर और चैनल भी लगा सकते हैं, तो हमको वीडियो लगाना है तो वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कोई सा भी वीडियो चूज कर सकते हैं जो आपके चैनल पर है, तो चूज स्पेसिफिक वीडियो पर हम चले जाते हैं। यहाँ से दोस्तों जैसे कि हमें ये वाला वीडियो लगाना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये वीडियो दोस्तों एंड स्क्रीन पर लग चुका है। इसके बाद एक और वीडियो हम इस पर लगा लेते हैं, तो देखिए एलिमेंट में हम जाएंगे, वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे यहाँ से वीडियो, और जैसे मैं ये वाला वीडियो यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो भी यहाँ पर लग चुका है। तो दो एंड स्क्रीन पर हमने वीडियो लगा दिए हैं। इसके बाद इसको आप सिंपल सेव कर लीजिए। तो एंड स्क्रीन दोस्तों हमारी लग चुकी है, अब हमको लगाना है आई कार्ड, तो आई कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। सेम दोस्तों आई कार्ड पे भी हमको वीडियो लगानी होती है, तो उसके लिए दोस्तों जहाँ पे आपको वीडियो लगाना है यहाँ पर इसको ले जाइए और देखिए प्लस के साइन पे जाइए, वीडियो में जाइए, और दोस्तों जैसे हम ये वाला वीडियो यहाँ पे लगाते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद हम देखिए आगे बढ़ जाते हैं। आप दोस्तों इसमें देखिए किसी भी प्रॉपर टाइम में लगा सकते हैं, जिस टाइम पर आपको आई कार्ड लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिर से प्लस साइन में हम जाएंगे, यहाँ से हम वीडियो पर जाएंगे और ये वाला वीडियो यहाँ पर लगा दी। तो दोस्तों दो वीडियो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं आई कार्ड पे। इसके साथ ही दोस्तों आप इसमें 3 और वीडियो लगा सकते हैं, टोटल आप 5 आई कार्ड लगा सकते हैं अपने एक वीडियो में। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए। तो हमारी वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियो थी उसमें हमने आई कार्ड भी लगा दिया है और एंड स्क्रीन भी लगा दिया है। सेम इसी तरीके से आप भी दोस्तों अपने शॉर्ट्स वीडियो में आई कार्ड और एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से अपने शॉर्ट्स वीडियो में आई कार्ड और एंड स्क्रीन लगाना है, जिससे आपके सब्सक्राइबर व्यूज दोनों ही गेन होंगे और आपको काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता है यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए नए वीडियो हर रोज। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बहुत ही जल्द इजी टाइप की।